हाँ बच्चों, आज 9 क्लास का केसी सिन्हा का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या रियल नंबर। रियल नंबर वास्तविक संख्या से पहले कुछ और नंबर को पढ़ना, जो कि पहला है अंक, डिजिट है 0 से लेकर 9 तक को अंक कहते हैं। अंकों की कुल संख्या 10 होती है। एग्जाम्पल में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 तक। इसके बाद आपकी संख्या आता है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर इसे कहते हैं, कि जो माने गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में हो जाता है 1, 2, 3, 4, माने जो संख्या 1 से शुरू हो और जिसका अंत होता नहीं, उसे हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्या। इसके बाद पूर्ण संख्या आता है, कि जब शून्य को प्राकृत संख्या में मिला दिया जाता है तो पूर्ण संख्या बनता है। तो 0 एग्जाम्पल इसका है 0, 1, 2, 3, 4। इसके बाद पूर्णांक संख्या आता है इंटीजर नंबर, धनात्मक माने प्लस, ऋणात्मक माने माइनस। संख्या को और जीरो को मिलाने से, थोड़ा सा यहाँ लिखना पड़ेगा, धनात्मक संख्या कोमा ऋणात्मक संख्या और जीरो को मिलाने से या मिलाया जाता है, तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, इधर -1, -2, -3। उसके बाद परिमेय संख्या होता है रेशनल नंबर, जो संख्या पी बटा क्यू और क्यू इक्वल टू नॉट जीरो में होता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और यह मानक रूप में होता है, छोटा रूप में होता है। एग्जाम्पल में आप -1, 0, 1, 2, 3, 5/2, 7 -1/7 भी लिख सकते हैं। यह परिमेय संख्या हुआ। उसके बाद आ जाता है अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, जिस संख्या का वर्गमूल दशमलव में निकलता हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल √2, √3, √5, √6, √7 होता है। यह परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या की बात हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या, तो इसको मिटाया जाए। वास्तविक संख्या में होता है क्या चीज, कि परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिलाने से वास्तविक संख्या बनता है। इस प्रकार से यह वास्तविक संख्या रियल नंबर में इसका परिभाषा होता है परिमेय
संख्या और परिमाण संख्या को मिलाने से वास्तविक संख्या बनता है। एग्जाम्पल में आ गया 0, 1, 2, √3, √5, 1/2, 5/2, .. −1, −2, 1/2, −√3, .. इसे वास्तविक संख्या कहते हैं। इसमें होता है क्या चीज कि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जब मिलाया जाता है तो ये सभी चीज क्या हो जाते हैं, वास्तविक संख्या होते हैं। चलिए इसको क्या कीजिए कि आप इतना दूर उतार लीजिए, ये सब करो, इसको उतार। हाँ चलिए बच्चों उतार लिए, चलिए आप देखिए। इसका पहला स्टार है कि यदि ए कोमा बी दो परिमाण संख्या है तो इसके बीच तीन परिमाण संख्या बराबर सूत्र होता है a+b/2। जैसे आपको पूछेगा, क्वेश्चन में देगा कि 2 और 4 के बीच 3 परिमाण संख्या निकालें। देखिए यह क्वेश्चन हो गया कि 2 और 4 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालें। देखिए कैसे निकालिएगा, तो इसमें सुविधा के लिए मान लीजिए, माना कि a=2, b=4, मान लिए, माना कि a=2 और b=4। तो पहली परिमाण संख्या बराबर सूत्र क्या होता है, a+b/2, सूत्र होता है a+b/2। देखिए तो a का मान क्या है, 2 है तो 2 दे देंगे, b का मान क्या है, 4 है, 4 दीजिए, आई 2 कहां से, तो सूत्र से, तो 2 दे दीजिए, तो 4 × 2 = 6/2 × 2 = 6 के बार में 3 बार। तो 2 और 4 के बीच 3 है, तो 3 जो आया ये 2 के लिए भी 3 है और 4 के लिए भी 3 है, दोनों के लिए 3 है, समझ गए ना, दोनों के लिए 3 है, दोनों के लिए क्या है 3 है। तो अगला दूसरा परिमेय संख्या निकालने के लिए हम मानेंगे कि a=2 और जो यह 3 निकाले हैं उसको आप b मान लीजिए, तब b=3, क्योंकि यह जो 3 निकला है 2 और 4 के बीच है, तो यह 2 का भी हिस्सा है और 4 का भी हिस्सा है, दोनों का, जैसे मान लिया जाए 3 अंगुली है, तो यह जो है इसके लिए भी है और यह इसके लिए भी, जैसे कि
एक दो तीन, एक के बिना दो भी नहीं बन सकता और तीन के बिना दो भी नहीं बन सकता। ऐसे गिनिएगा एक दो तीन, मैंने एक पहले आया तब दो आया तब तीन आया, उसी प्रकार एक दो के लिए भी या तीन दो के लिए। एक तरह से उदाहरण में आप समझ सकते हैं कि यह छोटा भाई, मंझला भाई, बड़ा भाई है ना, तो मंझला भाई के जो होता है दोनों के लिए एकदम मैंने फायदेमंद होता है, दोनों के लिए बहुत इंसान होता है, एकदम दयालु आदमी, दयालु आदमी। देखिए तो ए बराबर दो, बी बराबर तीन, तो उसी प्रकार से उस समझिए कि था दो भाई, एक मिल गया तीसरा, तो ये तीन दोनों के लिए है, इसलिए आप ए बराबर दो और बी बराबर तीन मान सकते हैं। तो चलिए दूसरा परिमेय संख्या निकालते हैं। दूसरी परिमेय संख्या बराबर ए प्लस बी बटा टू, ए प्लस बी बटा टू, तो ए बराबर कितना माने हैं दो, ए बराबर दो है तो दो दीजिए, अच्छा बी बराबर कितना है तीन है तो तीन दे दीजिए, अब बटा दो जोड़ दीजिए, दो कहां से आया सूत्र से आया, तो तीन दो पांच बटा दो, तीन दो पांच बटा दो। फिर जो बी माने हैं पुनः आ जाएंगे, जो बी माने हैं उसको ए लीजिए, ए बराबर चार और बी बराबर तीन, तो तीसरी परिमाण संख्या बराबर ए प्लस बी बटा दू, तो ए कितना है बच्चों तो चार, अभी कितना है थ्री है तीन है, अब बटा टू तो चार तीन सात, सात बटा टू सेवन बटा टू हो गया, तीन परिमेय संख्या निकल गया। तो लिख देंगे इस तरह से कि दो और चार के बीच तीन परिमेय संख्या, पहला कितना निकाले हैं तीन, दूसरा पांच बटा दो, तीसरा सात बटा दो। इस तरह से आपको तीन गो परिमेय संख्या है, दो पूछे या एक पूछे आप तीन तक इस तरह निकाल सकते हैं। एक पूछेगा तो यहाँ तक रुक जाइएगा, दो पूछेगा यहाँ तक रुकना है, तीन पूछेगा यहाँ तक निकाल देना, जिस तरह से पूछेगा उस तरह से आप बना सकते हैं। पुनः एक बार और समझा देते हैं, दो और चार के बीच तीन परिमेय संख्या निकालें। तो फर्स्ट में पहले आप क्या कीजिएगा, माना कि ए बराबर टू बी बराबर फोर, पहली परिमेय संख्या ए प्लस बी बाई टू, तो ए बराबर दो और बी बराबर चार बटा टू, चार दो छः बटा दो, दो से काट दीजिएगा तीन आ गया, जो यह तीन निकलेगा वह बी हो जाएगा, ए बराबर दो बी बराबर तीन। तो दूसरी परिमेय संख्या ए प्लस बी बटा टू, ए दो बी तीन बटा दो, पाँच बटा दो, ए बराबर चार बी बराबर तीन, अब यह जो बी होगा वो चार हो जाएगा, आई बी बी ए बराबर चार और बी बराबर कितना तीन, तो तीसरी परिमेय संख्या ए प्लस बी बटा दू, ए चार बी तीन, चार तीन सात बटा दू, तो तीन दू और चार के बीच तीन परिमेय संख्या तीन, पांच बटा दू सात बटा दू। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ उतार लिए, चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग बटा, अब आ जाते हैं बटा में,
क्वेश्चन है आपका एक बट्टा टू आर एक बट्टा थ्री के बीच तीन परिमाण संख्या निकालें। तीन परिमेय संख्या निकालना है कि एक बट्टा दू और एक बट्टा तीन के बीच तीन परिमेय संख्या निकालना है या बटा में। हाँ आइए एक बटा दू और एक बटा तीन के बीच तीन परिमेय संख्या निकालना। तो उसी प्रकार से यहाँ मूल उठाइए बच्चों, मूल उठाइए देखिए ए बराबर एक बटा दू और बी बराबर एक बटा तीन। तो पहली परिमाण संख्या एकदम अच्छा तरह से बनाना है इसको, कुछ नहीं है दू। तो देखिएगा ध्यान दीजिए यह जो मेन लाइन है मोटी लकीर, तो इसके ए बराबर दीजिए एक बट्टा दू प्लस एक बट्टा तीन और बट्टा दू। एलसीएम लिया जाएगा तीन दूना छः, यह मोटी लकीर है, नीचे से भागा दीजिए भागफल तीन आएगा और ऊपर में जाकर गुना होगा तो थ्री। तीन से छ में भागा देंगे तो भागफल दो आएगा और ऊपर में जाके गुना होता है, इसी का नाम है भिन्न का जोड़। यह दो सूत्र से है, तीन दो पांच हो गया बटा छ, इस तरह से लिखिए और दो नहीं कुछ तो आप एक दे सकते। तो पांच बटा छ भागा उल्टा गुना एक बट्टा दो, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा। तो उसके बाद पांच गुना एक तो पांच, छ गुना दो तो बारह हो गया। जो यह निकला है उसको मान लेना है आपको बी, माने ए बराबर एक बट्टा दो और जो निकाले हैं वह बी है पांच बट्टा बारह। हम लिखेंगे दूसरी परिमाण संख्या बराबर ए प्लस बी बटा दो। तो ए ए देखो बच्चों ए कितना है एक बटा दो और बी कितना है पांच बटा दो, इसका मान वहां रखते हैं एक बट्टा दो प्लस पांच बट्टा बारह बट्टा दो। दो दो कहां से आया सूत्र से आया, इसका एलसीएम कितना आता है बारह। तो भिन्न का जोड़ का नियम है कि इससे यह भागा दीजिए, तो दो से बारह में भागा देंगे तो भागफल छह आएगा और ऊपर में जाकर गुना होता है और बारह से बारह कट जाएगा एक पांच आ जाएगा अब बट्टा दो हो जाएगा। छः पाँच कितना होता है बच्चों ग्यारह, अब बट्टा बारह उलट दीजिए एक बट्टा दो नहीं कुछ तो एक रहता भागा उल्टा गुना, तो नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे ग्यारह बट्टा बारह गुना चौबीस है ना। दूसरी परिमेय संख्या हो गया। तीसरी परिमेय संख्या कौन परिमेय संख्या तीसरी परिमेय संख्या। तो तीसरी परिमेय संख्या निकालने के लिए मानना होगा पहले यहाँ
जो बी है उसको मान लेते थे ये एक बटा तीन, अब बी हो जाएगा आपको यहाँ निकाला हुआ है बी बराबर पांच बटा बारह। तो ए प्लस बी बटा दू, ए का मान बोला जाए एक बटा तीन, पांच बटा बारह, मोटी लकीर दू, एलसीएम ले लीजिए बारह, चरतिया बारह, अब पांच बटा दू, पाँच चार नौ, भागा कुंटा गुना एक बटा दू, ये कट जाएगा। परमेय संख्या मानक रूप में होता है, तीन से कट रहा तो तीन चार गुना आठ लिखेंगे आंसर में, एक बटा दू और एक बटा तीन के बीच तीन परमेय संख्या लिखिए। यहाँ साइड आपको पहला निकाले हैं पाँच बटा बारह, दूसरा निकाले हैं ग्यारह बटा चौबीस, तीसरा निकाले हैं तीन बटा आठ। इसको समझ लीजिए वही चीज है लेकिन यह बटा में, तब कुछ भी बना सकते हैं इस पर, कोई दिक्कत तब नहीं। ए बराबर एक बटा दो, बी बराबर एक बटा तीन, पहली परमेय संख्या ए प्लस बी बटा दो, ए एक बटा दो जोड़ एक बटा तीन बटा दो, एलसीएम छः, तो भागा दीजिए द्वितीय छः हो गया, तीन लिखा गया तीन दूना छः, दो लिखा गया तीन दो पाँच बटा छः, दो एक उलट दीजिए पाँच बटा छः गुना एक बटा दो, पाँच गुना एक तो पाँच, छः गुना बारह, यह जो निकला बी निकल जाएगा ये। तो पुनः ए बराबर एक बटा दो जो निकलेगा उसको बी मानना है पाँच बटा बारह। दूसरी परमेय संख्या ए प्लस बी बटा दो, एक बटा दो प्लस पाँच बटा बारह, मोटी लकीर दो, तो एलसीएम ये बारह, छः बार में दो से भागा देंगे बारह में तो छः, पाँच बटा दो सूत्र से दो आ रहा है, दो का सा रहा सूत्र से, छः पाँच ग्यारह बटा बारह उलट दीजिए एक बटा दो ग्यारह बारह दूना चौबीस। तीसरी परमेय संख्या निकालना है तो ए बराबर एक बटा तीन, या जो बी हो जाएगा या बी है जो ए हो जाएगा एक बटा तीन, और बी बराबर पाँच बटा बारह, ए प्लस बी बटा टू, ए होता है एक बटा तीन, बी पाँच बटा बारह, मोटी लकी बटा दो, तो एलसीएम आ जाएगा बारह, चरतिया बारह कट जाएगा, पाँच पाँच चार नौ बटा बारह उलट जाएगा एक बटा दो, तीन किया नौ तीन चौक बारह कट के तीन बटा आठ, एक बटा दो एक बटा तीन के बीच तीन परमेय संख्या पाँच बटा बारह ग्यारह बटा चौबीस तीन बटा आठ। इस तरह से आप इसको आपको उतार दीजिए। अब अगला क्वेश्चन बताता हूँ, इसको उतार दशमलव एक चार और दशमलव एक पाँच के बीच पंद्रह परिमाण संख्या निकालें। आप देखिए पंद्रह परमेय संख्या निकाल दशमलव एक चार और दशमलव एक पांच के बीच पंद्रह को निकालना है, तो इसके लिए एक अलग अलग रूल होता है पंद्रह परमेय संख्या निकालने के लिए। दशमलव एक चार कोमा दशमलव एक पांच, जब दशमलव हटता है तो दशमलव के बदला एक होता है, दशमलव के बदला एक, तो एक देंगे और जितना अंक उतना जीरो, तो दो अंक है तो दो जीरो दे दिए, फिर इसको उसी प्रकार से हटाइए एक दिए दशमलव के बदला एक होता है और दो अंक है तो दो जीरो दे दीजिए। अब इस तरह से लिख दीजिए इस तरह से
14:15। तो ऐसे आप जानिए कि दो परमेय संख्या के बीच अनंत परमेय संख्या होती है, जितना आप लिख सकते हैं। तो इसको इस तरह से लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, देखिएगा 14.1, ध्यान दीजिएगा 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9। 10 लिखते हैं, जैसे 14.9 के बाद एक और लिखिएगा तो ये 15 आ जाएगा, क्योंकि 0 आ, देखिए 15 आता है, लेकिन हमको इसके बीच ही रहना, तो 10 लिखना नहीं है, पुनः लौट जाना है। यहाँ से फिर लौट जाएंगे कि 14.11, 14.11 और 14.12, 14.13, 14.14, 14.15 और 14.16। ये आपको 15 हो जाएगा 100। अब यह जो नीचे में 100 है तो यह सभी में भागा है, सब में, इसका अर्थ हुआ 100 कि सब में 100 से क्या कीजिए, भाग दीजिए। तो इसको इस तरह से लिखिए 14.1/100, 14.2/100, 14.3/100, 14.4/100। तो ऐसे लिखते जाइए, सब में 100 लगाना। आप देखिए यहाँ एक अंक के बाद दशमलव है, ध्यान दीजिए बच्चों, एक अंक के बाद दशमलव है, नीचे में क्या है 2 0 है, तो इधर 2 अंक के बाद हो जाएगा, माने इसका अर्थ हो जाएगा 0.141, क्योंकि पहले से एक दशमलव है और 0 जा रहा है, तो 2 अंक के बाद दशमलव होगा, है ना। जैसे मान लिया जाए कि दशमलव इसका अर्थ क्या हो, जो देखिए 100, तो नीचे आएगा 1 0 आएगा, तो 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ है, इसका अर्थ यही हुआ, तो 2 अंक और इधर आ जाएगा दशमलव। उसी प्रकार से सबको लिखे 0.142, 0.143, 0.144, 0.145, 0.146, 0.147, 0.148, 0.149, 0.111, 0.112, 0.113, 0.114, 0.415, 0.416, यही हो गया आपका 15 परमेय संख्या। तो इस प्रकार से, किसी प्रकार से आपको दशमलव का क्वेश्चन दिया रहे, 5 पूछे, 6 पूछे, तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं।
तो दशमलव एक चार बटा सौ दशमलव एक पाँच बटा सौ, क्योंकि दशमलव हटेगा सौ आएगा, दशमलव हटेगा तो सौ, सौ एलसीएम ले लेंगे। उसके बाद चौदह कोमा पंद्रह लिखेंगे, चौदह पॉइंट एक, चौदह पॉइंट टू, चौदह पॉइंट थ्री, एकदम यहाँ तक आप लिखते जाएंगे। यहाँ ध्यान रखना, चौदह पॉइंट नौ है तो दस लिखना नहीं है, तो फिर पुनः लौट जाना, चौदह पॉइंट एक एक, चौदह पॉइंट एक दो, चौदह पॉइंट, इस तरह से लिखकर चौदह पॉइंट एक छः आएंगे। अब बटा सौ है तो यह सौ सब में भागा है, इस तरह से भागा देकर, और दशमलव के बाद दशमलव एक चार एक, दशमलव एक चार दो, दशमलव एक चार तीन, इस तरह से कर देना है, ठीक है।